शाजापुर जिले में पुलिस अधीक्षक शाजापुर को दिए प्रार्थना पत्र में मोहल्ला नई बस्ती देसी शाजापुर निवासी हरप्रीत सिंह ने बताया कि 28 जुलाई करीब 7 बजे को अपने ससुराल से परिवार सहित यूपी से घर आ रहा था। उसके साथ में उसकी पत्नी अमरप्रीत कौर, वो 1 साल की बेटी थी। जैसे ही वो जेवा चौराहे के पास पहुंचा तो वहां पहले से ही घात लगाए बैठे अमरदीप सिंह बाबू को 4 अज्ञात लोगों ने गाड़ी पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। खसरा बाप से ही उनसे गाड़ी भगा दी। प्रार्थना पत्र में बताया कि हमलावरों ने करीब 5 किलोमीटर मीटर तक पीछा करके पकड़ लिया, गाली गलौज करने लगे। इसी बीच धर्मकांटा के पास मौजूद लोगों ने दौड़ाकर उसको बचा लिया। इसी बीच अमलावद गाली गलौज करते हुए भाग गए। उनसे बताया कि इस संबंध में वो पुवाया थाना रिपोर्ट दर्ज करने गए, लेकिन फुफाया में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। हरप्रीत सिंह ने पुलिस अधीक्षक से हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्यवाही कराए जाने की मांग की है। आई है, क्या घटना हुई आपके साथ में, क्या हुआ? हम लोग परसों शाम को अपने घर से निकले, हमारी मम्मी जी की तबीयत नहीं ठीक थी, हम उन्हें देखने गए। तो हम लोग परसों शाम को आए तो हमारा भाई पहले से ही हमसे बहुत खौर खाता है, वो हम लोगों की जान लेना चाहता है। तो हम लोग कभी भी इस तरीके से हम लोगों ने कहा होगा नॉर्मली लेते हैं, लेकिन परसों शाम को जब हम लोग आ रहे थे तो रास्ते में इसने हम लोगों को जेमा चौराहे पे 5-7 आदमियों के साथ घेर लिया। घेरने के बाद इसने हमारा फ़ोन छीन लिया, हमसे हमारा बच्चा छीन लिया, हमारे हस्बैंड को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे 5-7 लोग थे जिन्होंने हम लोगों को बचाया और सेफली अपने पास बिठा लिया। लेकिन हम लोग कल पुआया गए हैं, पुलिस अधीक्षक लोग तो कुछ सुनते ही नहीं है हमारी। वो पत्रकारता है, ऐसी पत्रकारता किस काम की? जो बहन दुखी है, माँ बाप दुखी हैं, हम किस काम की? ये पत्रकारिता क्या करना है ऐसी पत्रकारिता का? माँ बाप ने पढ़ा के ऐसी पत्रकारिता दी कि अपने माँ बाप को दुखी करो, उनकी जान ले लो, अपनी बहन की जान ले लो, 1.5 साल के मासूम बच्चे को सता दो। मेरा बच्चा इतना सदमे में है, उसने परसों रात से पानी नहीं पिया है। इस मामले को लेकर कितनी बार पुलिस से गुहार लगा चुके? परसों कल भी गए हैं, परसों रात भी थे, आज भी हम लोग सुबह से आए हैं। हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपना काम धाम छोड़ के आ रहे हैं, इन लोगों से कुछ आस रखे हुए हैं तभी तो आ रहे हैं। ये लोग उनकी सुनेंगे, हम लोग किसके पास जाएंगे? आपको न्याय नहीं मिलता तो क्या? हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तो हमारी बच्ची को अगर कुछ हो गया, हमारी बच्ची इस टाइम हॉस्पिटल में एडमिट है, अगर हमारी बच्ची को कुछ हो गया तो हम इन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जी ये बताइए, आप पुलिस अधीक्षक कार्यालय आज आए हैं अपनी पत्नी के साथ में, क्या कुछ घटना घटित हुई आपके साथ? घटना साहब, हम परसों शाम को 7 बजे हम अपने कुटार से निकले, ये हमारे पीछे मोटरसाइकिल से लग गया, इसने फ़ोन लगातार ये करता रहा, किसी को जैमा चौराहे पे आके 4-5 आदमियों ने हथियारों से लैस हमें घेरा। वो हमें नहीं मालूम अज्ञात वो कौन लेके आया था, हम उन्हें नहीं पहचानते। कोई बात नहीं तो वो देंगे। हमने क्या किया, उन्होंने जब हमारे ऊपर हमला किया, हम तो सीधे शाहजहाँपुर आ रहे थे तो हमें रास्ता नहीं मिला, हमने जैमा रोड पर गाड़ी अपनी घुमा दी। घुमाने के बाद में हम जब सीधे चलते रहे, इन्होंने पीछे से मोटरसाइकिलें डाल दी, हम सब भागते रहे 5-6 किलोमीटर जाने के बाद में हमारी गाड़ी का रास्ता सिंगल रोड थी तो आगे ट्रक था, हमारी गाड़ी आगे नहीं निकलने की पोजीशन में थी। वहाँ पे एक गुरु नानक धर्म काटा है, इन्होंने आके गाड़ी हमारी घेर ली, शीशे से हमारे तोड़ दिए। तोड़ने के बाद में हमलावर रोड पर हमारी बच्ची छीन ली, बच्ची छीनने के बाद में हमारी वाइफ को निकाल लिया उसमें से। उसके बाद में वहाँ पे गुरु नानक धर्म काटा वाले कई लोग थे, उन्होंने हमें वहाँ बचाया। वहाँ पे फिर पुलिस भी आई, पुआया पुलिस आई, उनकी मोटरसाइकिल लेके गई बगैर नंबर की। वहाँ पे 12-1 बजे तक मुझे थाने में बैठा ले रखा, तहरीर ले ली, कोई मुकदमा नहीं दर्ज। हमसे बोले सुबह आओ, हम सब सुबह 10-11 बजे गए, मोटरसाइकिल उसकी खड़ी, रात में उसे छोड़ दिया गया। बोले वो पत्रकार एसोसिएशन का फ़ोन आ रहा है और ठीक है, हम लोग कार्रवाई वही नहीं कर सकते, हम देखते हैं विवेचना करेंगे। क्या विवेचना करेंगे हम साहब, आज इनके यहाँ अधीक्षक साहब क्या है, कह रहे हैं क्रॉस मुकदमा होगा इनके ऊपर भी। हमने जुर्म क्या किया हमें आप ये बताइए, हमने ये जुर्म किया, हम अपने ससुराल के अपने घर आ रहे थे, ये क्या जुर्म है? हम तो अपने दोनों मियाँ बच्चों के साथ आ रहे थे, एक नहीं 50 लोग वहाँ पे गवाह हैं जिन्होंने ये तक पुलिस से कहा कि हाँ इन लोगों की गलती थी, इन लोगों ने हमला, अगर मैं 1 किलोमीटर और आगे जाता तो वो लोग मुझे मार काट के मेरी बच्ची को मेरे परिवार को फेंक देते।